मम्मा स्कूल का प्रोजेक्ट है, पापा से मिलना जरूरी है। वो बाबा जी के पास चले गए क्या? तो फिर वो कहाँ है मुझे बताओ। मम्मा स्कूल का प्रोजेक्ट है, पापा से मिलना जरूरी है। वो बाबा जी के पास चले गए क्या? तो फिर वो कहाँ है मुझे बताओ। शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो अरमान है वो इस बात से बेखबर है कि आसमा मोगा में आ चुकी है। हालांकि अरमान के मुंह पर आसमा का दुपट्टा जाना, अरमान को फील होना आसमा का, ये सब अरमान फील तो कर पा रहा है, लेकिन अभी तक उसे ये नहीं पता कि आसमा मोगा आ चुकी है। दूसरी तरफ जो है आसमा अरमान से बचती हुई दिखाई देती है। वहीं पर जो आसमा की बेटी है उसकी दोस्ती अरमान के साथ बढ़ रही है। अरमान ये तक कह देता है स्कूल वालों के सामने कि ये मेरी ही बेटी है। और वहीं पर जो आसमा है उसके साथ मेहर की बॉन्डिंग बन रही है। मेहर के गले में आसमा वो तागा देखती है जो कि आसमा ने कभी अरमान के गले में बांधा था। अब ऐसे में आसमा को शक होता है कि कहीं ये अरमान की बेटी तो नहीं। ओवल इत्तफाक भी आसमा को ये लगता हुआ दिखाई देता है। आने वाला एपिसोड देखा जाए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यूं तो अरमान और आसमा को बिछड़े हुए पूरे 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अब इनके बच्चे ही इन दोनों को मिलाने वाले हैं। आलिया जो है वो भी कुछ नया काला जादू करती हुई देगी दिखाई। क्या अरमान पर ये काला जादू कर पाएगा काम? क्या अरमान और आलिया हो जाएंगे एक, या फिर लिखा है जीवन में अरमान और आसमा का ही मिलन? कमेंट सेक्शन में बताइए अपनी राय और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।